सब्सक्राइब करें जीबी शो चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द जीबी शो। यूट्यूब समाचार के एक फ्रेश और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। पहले खबर उठ के आ रही है वो है WhatsApp की तरफ से। यहाँ पर WhatsApp कुछ ना कुछ अपडेट हमेशा करता रहता है। थोड़े दिन पहले उन्होंने बिजनेस WhatsApp लॉन्च किया, फिर उन्होंने लॉन्च किया अभी UPI बेस्ड जो पेमेंट है वो लॉन्च किया, अब उन्होंने लॉन्च किया ग्रुप बेस्ड डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होगा, आप किसी भी जो ग्रुप में बंदा है उसके लिए आप कोई डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं 500 कैरेक्टर का। अब ये जो फीचर है सिर्फ एडमिन के लिए नहीं रहेगा, मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 में से कोई भी बंदा किसी के लिए भी कोई भी 500 कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन डाल सकता है। तो मुझे लगा मुझे ये अपडेट करना चाहिए आप लोगों के साथ शेयर। जो दूसरा अपडेट आ रहा है वो है Honor 9 Lite की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 5% कैशबैक आपको मिल रहा है Flipkart पे अगर आप खरीदते हैं, तो अब उसमें यह अपडेट आ रहा है कि फेस लॉकिंग फीचर उसमें आ जाएगा मार्च महीने में, या कि जो उसको नया अपडेट मिलेगा एंड्रॉइड की तरफ से, उस अपडेट में Honor वाले या जो Huawei वाले ऐसा एप्लीकेशन उसके साथ दे रहे हैं जहां पर आप फेस लॉकिंग भी कर सकते हैं। यानी कि Honor 9 Lite सबसे सस्ता फोन हो जाएगा जो आपको फेस लॉकिंग फीचर प्रोवाइड करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया दो वेरिएंट में फोन आता है, 3GB 4GB, अगर आपको पसंद है Flipkart से जाके खरीद सकते हैं। जो अगला अपडेट आ रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि आने वाले समय में 2-3 महीने में इंडिया की 15 लैंग्वेजेस में ईमेल आईडी बनाई जा सकती है। यानी कि अगर आप मान लीजिए हिंदी में अपनी ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं, आपका नाम @gmail जो आपका नाम होगा वो हिंदी फॉन्ट्स में लिखा होगा, ऐसे 15 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगी ईमेल आईडी। तो यहां पर हमें देखना है ऐसा इससे क्या अच्छा होता है क्या अच्छा नहीं होता, बट एक बहुत ही अच्छा है कि जो लैंग्वेज बैरियर है वो खत्म हो रहा है, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं किसी भी लैंग्वेज में ईमेल आईडीज बन रही हैं, तो अपडेट बहुत ही अच्छा है। और ये जो ईमेल आईडीज आप आउटलुक पे भी यूज कर सकते हैं, आउटलुक 365 में भी यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये अपडेट आया। जो अगला अपडेट है वो है गूगल की तरफ से। जैसा कि आप लोगों को पता है गूगल एक नया एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला है, गूगल रिप्लाई, जो कि गूगल ने इनवाइट कई लोगों को भेजा है कि ये हमारा नया एप्लीकेशन है आप इसको ट्राई करिए, बट उसके लीक्स ऑलरेडी आ गए हैं, कई लोगों ने स्क्रीनशॉट जो मार्केट में आ गए। मैं आपको बता दूं गूगल रिप्लाई है क्या, वो एक एप्लीकेशन है जैसे ही आपको कोई चैट भेजता है तो उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको खुद बताती है कि इस मैसेज का आपको क्या रिप्लाई करना चाहिए, ताकि मान लीजिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं यहां पर आप मीटिंग में आप टाइप नहीं करना चाहते फटाफट कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपको एक सजेशन देगा, यू शुड रिप्लाई दिस टू दिस मैसेज। तो ये एक नया फीचर आने वाला था, नया एप्लीकेशन आने वाला है गूगल वालों की तरफ से, बट इसके लीक्स ऑलरेडी आ गए हैं, स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी आ गए हैं, आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा। और मुझे बताइए कि आप क्या इस बारे में सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जो अगली खबर आ रही है वो है एप्पल की तरफ से। यहां पर हो सकता है WWDC 2018 में एप्पल का iPhone SE 2 हो जाएगा लॉन्च। चाइनीज एक वेबसाइट के हिसाब से, एक रूमर्स के हिसाब से पता चलता है कि चाइनीज उस वेबसाइट ने उसमें लिखा है कि iPhone SE 2 चाइना में ऑलरेडी आ चुका है मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए, 2GB की रैम होने वाली है, जो स्क्रीन है वो बढ़ा के कर दी गई है 4.2 इंच की, और फिंगरप्रिंट को उन्होंने रखा है क्योंकि iPhone X में जो उन्होंने फिंगरप्रिंट वो बटन को हटाया था लोगों ने उसको ज्यादा प्यार नहीं दिया, iPhone X ज्यादा बिक भी नहीं रहे, तो यहां पर उसको उन्होंने रिटेन किया है। ये 500 से नीचे में बिकने वाला है SE 2, यहां पर ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, तो हमें देखना है क्या होता है क्या नहीं, बट SE इतना ज्यादा चल नहीं पाया था, यहां पर X भी इतना ज्यादा चल नहीं पाया, तो अभी हमें ये देखना है कि SE 2 कितना चलता है कितना नहीं चलता है। जो अगली खबर आ रही है वो है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi के जो दो नए फोन लॉन्च हुए हैं, जो एक नया हुआ है टीवी लॉन्च यानी कि Note 5 और Note 5 Pro और Mi TV 4, कल से सेल हो जाएगी स्टार्ट 12 बजे से। अगर आप इंटरेस्टेड है खरीदने में तो बिल्कुल जाके कल से खरीद सकते हैं। 22 फरवरी से सेल स्टार्ट होने वाली थी और कल है 22 फरवरी, तो नजर रखिए और फटाफट बुक करिए, ऐसा ना हो सोल्ड आउट हो जाए क्योंकि बहुत लोगों की नजर है प्रो पे। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा समाचार समाप्त में, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नए समाचार के बारे में पता लगा सकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।